कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने के बाद जिन हलकों से उन पर हमलों की उम्मीद थी उधर ही से उन पर हमले हो रहे हैं। उनकी पुरानी पार्टी सीपीआई, उनके वामपंथी समर्थक और भाजपा के बाद अब राजद ने भी कन्हैया पर हमला बोल दिया है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कन्हैया के बहाने कांग्रेस को लपेटते हुए कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष का पद पिछले 2 वर्षों से खाली है, उस पद पर कन्हैया को ही नियुक्त कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब कन्हैया सीपीआई में थे तो सीपीआई उनमें अपना भविष्य देख रही थी, अब कांग्रेस उनमें अपना भविष्य देख रही है। शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कन्हैया अच्छा भाषण देते हैं, इसलिए वो जिस दल में गए उसे ही डूबा हुआ जहाज कह दिया। इसके अलावा तिवारी असल मुद्दे पर आना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को कन्हैया से कोई खतरा नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई ने कन्हैया को बेगूसराय से उम्मीदवार बनाया था, वहां कन्हैया तीसरे स्थान पर चले गए थे, जबकि तेजस्वी ने जिन्हें राजद का टिकट दिया था वो दूसरे स्थान पर थे। हालांकि यहाँ शिवानंद तिवारी का आंकड़ा थोड़ा गलत है, कन्हैया नहीं बल्कि आरजेडी उम्मीदवार डॉक्टर तनवीर हसन तीसरे स्थान पर थे। बहरहाल राजद लाख दलीलें दें कि तेजस्वी को कन्हैया से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजद को मालूम है कि प्रशांत किशोर का बिहार में गेम प्लान क्या है, और अगर दिक्कत नहीं है तो फिर कन्हैया पर हमले की ज़रूरत क्या है। दरअसल 1989 के चुनावों में एक बार पटखनी खाने के बाद कांग्रेस बिहार में आज तक उठ नहीं पाई है। राज्य में जो कुछ उसकी मौजूदगी है वो राजद के रहमो करम पर है। अब राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस में एक बार फिर जान डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस कोशिश में वो आंदोलनों से उपजे युवाओं को पार्टी में सीधी एंट्री देकर उन्हें काम करने का मौका दे रहे हैं। कन्हैया को भी पार्टी में उसी रणनीति के तहत शामिल किया गया है। कांग्रेस खुद को राज्य के मतदाताओं के सामने एक विकल्प के रूप में पेश करना चाहती है और अपने पुराने आधार वोट को फिर से साधने का प्रयास कर रही है, खासतौर पर ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित वोटर्स को। पार्टी को एहसास है कि पिछले कुछ चुनाव में राजद के मुस्लिम यादव समीकरण में दरार आई है। सीमांचल के मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्रों से AIMIM की जीत इसका प्रमाण है। साथ ही बिहार के दूसरे इलाकों में भी राजद और महागठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवारों की शिकायत थी कि राजद यादवों के वोट को अपने या महागठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवारों को ट्रांसफर नहीं करा पाई। कांग्रेस को लगता है कि वो यदि मुस्लिम वोटर्स के सामने खुद को एक विकल्प के तौर पर पेश करे तो मुस्लिम फिर से उसके पाले में आ सकते हैं। दूसरी सवर्ण जातियों को भी कांग्रेस के रूप में भाजपा का कोई विकल्प मिलता है तो उन्हें भी कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है। राजद को इस बात का एहसास है कि यदि मुस्लिम वोटर्स का आधार उसके नीचे से खिसक गया तो बिहार में पार्टी की वो स्थिति नहीं रह पाएगी जो अभी है। भाजपा की राजनीति और नीतियों का मुखर विरोधी होने की वजह से कन्हैया मुसलमानों के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। इसका नज़ारा 2020 के शुरुआत में उनके नागरिकता कानून के विरोध में आयोजित जनगण मन यात्रा के दौरान दिख चुका है। यदि कांग्रेस में शामिल होकर कन्हैया अपनी सभाओं में वैसा समर्थन जुटा पाते हैं तो वाकई राजद के लिए खतरे की घंटी है। इसके अलावा अगर थोड़ा पीछे चलकर देखें तब भी कन्हैया पर आरजेडी के हमले को समझा जा सकता है। दरअसल आरजेडी ने कन्हैया को उस समय भी कोई भाव नहीं दिया था जब वो जेएनयू के विवादित नारे के बाद जेल से वापस आए थे और जेएनयू कैंपस में धमाकेदार भाषण दिया था। वो रातों रात भारत के सेक्युलर और उदारवादी लोगों की आंखों का तारा बन गए थे। उसकी वजह ये बताई गई कि लालू नहीं चाहते थे कि बिहार में कोई और नौजवान नेता उभरे जिसकी तुलना उनके पुत्र और अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से की जाए, और शायद इसी वजह से 2019 के लोकसभा चुनाव में राजद उन्हें किसी भी कीमत पर हराना चाहती थी। अब शिवानंद तिवारी के बयान से जाहिर होता है कि राजद कन्हैया को हल्के में नहीं लेगी और आने वाले दिनों में भी कन्हैया पर खुले और छुपे तौर पर उनके हमले जारी रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।